तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमबीए टू। जिस इस वीडियो में जस्ट 7 डेज और बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है का जो लिंक दे चुका है कम्युनिटी बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम बॉक्स में मैं बहुत कुछ डिस्कस करने लगता हूँ एंड यू नो दैट ईच एंड एवरी PDF और बहुत सारा अपडेट मैं यूं ही तुरंत दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बहुत इंटरेस्टेड हो तो यार अपना टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारा PDF एंड छोटा मोटा बहुत सारा चीज़ मैं डाल देता हूँ, जो आपको CAT 23 नहीं CAT 24 का जो एस्पिरेंट्स हो या आपको ZAT 24 जो देने वाले हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीवे, इस बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ TEES इस बार नहीं होगा एंड CUET PG 24 इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम बता देंगे। एंड उसके बाद जो चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक हफ्ता बचा हुआ है, BRC DILR एंड क्वांट छोड़ के सब कुछ बंद करो। उसका जो कुछ भी बोले दोस्त लोग, घूमना फिरना, मोबाइल, सोशल मीडिया, कुछ भी एकदम बंद कर दो जस्ट फॉर 7 डेज। एंड यू नो दैट इज़ द प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जितना प्रैक्टिस पहले कर चुके हो, मॉक जो है आप अभी भी जितना टाइम है 5-6 को मॉक आप देख दे सकते हो, उससे ज़्यादा है नहीं। क्योंकि उसका जो है उसका रिपीट एंड मॉक का रिविज़न करना पड़ेगा, जितना जितना सारा है पूरा सारी चीज़ का रिविज़न करना पड़ेगा। DILR के लिए, DI के लिए परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, जो क्वांट में इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपको LR के लिए गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड योर सीटिंग अरेंजमेंट, सीलॉग्स एंड केसलेट्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको कॉमन मिल जाएगा क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना पड़ेगा एंड जितना सारा ट्रिक्स है DILR का वो आपको करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना पड़ेगा, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एलिगेशन एंड द बेसिक थिंग्स दैट इज टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, ये सब जो है अब बहुत अच्छे से कर लीजिए। मतलब प्रैक्टिस, मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस, ठीक है। जितना कर लिए हो उसको एक बार देख लो, रिपीट कर लो, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग। सो दिस इज़ द ओनली प्रोसेस टू रिव्यू। एंड यू नो दैट BRC के लिए बहुत सारा ट्रिकी चीज़ मैं बार बार बोलते रहता हूँ, पैरासिम्बल, पैरासिम्बली, ऑड मैन आउट, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 8 को क्वेश्चन रह सकते, हो सकता है कि 6 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा लास्ट ईयर जैसे था। तो उसमें 8 को जनरली 8 को हम लोग मान के चलते, तो 8 को पहले कर लीजिए, उसके बाद 2 को RCS का जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कीजिए। जितना बड़ा RCS आएगा उतना थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहेगा, जितना कम RCS आएगा टफ क्वेश्चन रहेगा। बट हाउएवर इट इज़, आप अगर 4 को 5 को क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो और वहाँ पर 8 को क्वेश्चन, मतलब वोकैबुलरी का, तो 8, 4, 12 को क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। सो एनी वे, वाट एवर मे बी, मेरा बात थोड़ा सा सुनिए एंड टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल आप लोग कनेक्ट कीजिए अपने आप को, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा। एंड यू नो दैट इज़ द, मैं इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से दे देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, जो बहुत सारा स्टूडेंट है जो अभी बहुत सारा चीज़ लैक करता है, क्योंकि अभी भी उसको बहुत सारा चीज़ पता नहीं है, ठीक है। सो एनी वे, वाट एवर मे बी, प्रैक्टिस 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 एंड सब कुछ देख के जाओ एंड मैं आपके साथ रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो जाइए, बहुत सारा चीज़ आपको यूं ही मिल जाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स सपोर्ट द बेस्ट। अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराना है तो शेयर कर लीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।